चलो बेटे, वी वर एट हाउ आयनिक आयनिक बॉन्ड बस बिहेव लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने आपको कल ग्लैंस दे दी थी कि कैसे बिहेव करता है। जब हम ये करते हैं तो हम बोलते हैं कि पोलराइजिंग पावर होती है आयनिक बॉन्ड। एंड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी टर्म हम यूज करते हैं एनायन के लिए कि एनायन कितना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ड होगा, समझो ये बात। ठीक है, और पोलराइजिंग पावर होती है कि कितना कोई केटाइन दूसरे को पोलराइज कर सकता है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, कितना कोई केटाइन इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है अब, केटाइन। मैंने कल एग्जाम्पल दी थी आपको कि एन ए एक बारी इलेक्ट्रॉन दे चुका है सी एल नेगेटिव को, दे चुका है। अब ये एन ए पॉजिटिव इससे खींचेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आएंगे। ठीक है, अब इसकी क्या है, ये पावर है खींचने की और इसकी अबिलिटी है खिंचवाने की, समझ आ रही है। पोलराइजिबिलिटी एनाइन की होती है एंड पोलराइजिंग पावर जो होती है वो केटाइन की होती है। जो पोलराइजिंग पावर है कि कितना वो खींच सकता है वो डिपेंड करता है कि कितने उसके ऊपर चार्ज है। तो मैंने आपको बोला था चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी पावर ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल हमने ली थी एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसकी पावर भी ज्यादा है। अगर सोडियम पॉजिटिव का चार्ज कम है तो पावर भी कम है, और डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेडियस के ऊपर, रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। मींस अगर रेडियस बढ़ता जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जितना छोटा होगा उतनी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इन्वर्सली हो गया, और इन्वर्सली भी क्या हो गया बेटे, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, समझ आई। आयनिक बॉन्ड लाइक कोवलेंट बॉन्ड में अगर पोलैरिटी आती है तो आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करैक्टर आता है। ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर आता है तो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। सो यस, तो फजान रूल, फर्स्ट रूल कि जितना साइज के टाइम को छोटा होगा उतना क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब यार राइट डाउन, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, राइट डाउन। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, यू हैव लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। किस में कोवलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा हुआ, टेल मी, हरी अप। लिथियम क्लोराइड, और सबसे कम साइज के टाइन का जितना छोटा उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। ठीक, देन चार्ज, चार्ज के हिसाब से राइट डाउन, यू हैव एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड NaCl। अब अगेन कोवलेंट करैक्टर किस में ज्यादा होगा, AlCl3, क्योंकि जितना चार्ज ज्यादा बेटे उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। अब एनायन की बात करें, इफ यू हैव एनायन लाइक मैं सोडियम एक सिंगल कैटायन ले लूं और मेरे पास ये एनायन है, तो मैंने हर बारी बेटे एनायन चेंज कर दिया। ठीक है, और डाउन द ग्रुप आते आते एनायन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो साइज ज्यादा होगा एनायन का तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने इजी हो जाएंगे, तो बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, कोवलेंसी की तरफ। साइज अगर बड़ा है तो आप इलेक्ट्रॉन इजीली खींच पाओगे। अब ऑर्डर बताओ जल्दी, हरी आप। जल्दी सबसे एन आई, देन बी आर, देन सी आर, देन एफ। आई का साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप आते आते एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक आते आते साइज बढ़ जाता है।
अगर एनायन का साइज जितना बड़ा होगा आप उससे इलेक्ट्रॉन इजली खींच पाओगे। बेटे केमिस्ट्री को कंसेप्चुलाइज जितना करोगे रेदर देन क्रैमिंग जल्दी एमसीक्यूज एंड ऑल सॉल्व कर पाओगे। ये वो चार चैप्टर नहीं है टेंथ नाइन्थ के और पांच चैप्टर नहीं है टेंथ के, अब पता ही नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आना है। मैं ये एग्जाम्पल करवा रही हूँ आपको, कोई और एग्जाम्पल भी पेपर में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बेटे सीडो नोबल गैस कंफिगरेशन। सीडो नोबल गैस कंफिगरेशन क्या होती है, विच इज नॉट नोबल गैस कंफिगरेशन बट इज इक्विवेलेंट टू नोबल गैस कंफिगरेशन। फिल्ड है मगर नोबल गैस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लिखो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, हरी अप। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो, हरी अप। जिनके पास सीडो नोबल गैस कंफिगरेशन होती है उनका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, मोर द कोवलेंट करैक्टर। अब पहले आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो, फिर आपको समझ आएगा ये। हरी अप राइट डाउन, डू सेल्फ ड्रिलिंग, यू हैव टेकन बीटेक। क्या क्या होता है, क्या होता है कॉपर का डोमेन, बोल जल्दी क्या होता है। डी ट्रांजिशन पे नौवें पोजीशन पे पड़ा है, जल्दी दो एक अब क्या होता है। फर्स्ट सीरीज पे नाइन्थ पोजीशन पे पड़ा है, ट्वेंटी तो कैल्शियम का होता है, ये कर रहे हैं टेंथ क्लास अभी तक। कैल्शियम के बाद क्या शुरू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 29। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल केस भी करे हैं आपने सेकेंड चैप्टर पे। अच्छा बढ़ जाओ आगे फिर, अरे आप ऐसे याद करो साडा टीवी वीसीआर मेरे फादर को नहीं चुकिया जाता। लिख स्कैंडियम टाइटेनियम, जल्दी फास्ट हो जाओ बेटे। अब सेकेंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, साडा टीवी वीसीआर मेरे फादर कोलो नहीं चुक्या जानदा। ठीक है, 21 से स्टार्ट होती है ये विद एक्सेप्शन दीज टू। क्या एक्सेप्शन आती हैं, क्या एक्सेप्शन है जल्दी बोलो। फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड, क्रोमियम हाफ फील्ड है, कॉपर फुली फील्ड है। कॉपर क्या होता है, 3D10 4S1 बन गया, कहाँ बना है? ऐसे नहीं बेटे, ऐसे जेईज नहीं क्लियर होते, ऐसे तो फिर बस बोर्ड ही मुश्किल से क्लियर होना है। यस स्मृति दिव्यांश, अच्छा ये कर लिया इन्होंने। एनी डाउट और यू आर गिविंग मी द आंसर्स बेटे। यस दिव्यांशी मैम आंसर दे लो। हाँ जी, सिटी 3D10 4S1। अगर मैं कॉपर पॉजिटिव बोलूं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3D10। इसे सीडो नोबल गैस कंफिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो 3D10 का मतलब है आपका डीप फील्ड है, इसका मतलब ये नोबल गैस के राउंड हो गया ना। पर नोबल गैस में बेटे डी कभी नहीं फिल होता, हम कहते हैं पी है, 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे बोलते हैं ना नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस की वैलेंस शेल में क्या है, अगर हीलियम की बात करूं तो 2s2, नियॉन की बात करूं तो 2s2 2p6, अगर उसके बाद बात करूं तो 3s2 3p6। 3d की तो बात नहीं करते ना हम आगे, पर ये डी भी फील्ड है इसका, देखो है कि नहीं है। इसे कहते हैं सीडो नोबल गैस कंफिगरेशन, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आठ नहीं देख रहे हैं,
हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 देख रहे हैं, देखो 18 है कॉपर पॉजिटिव वन में, थीडो नोबल गैस कंफिगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। डी में कितने आए 10, 2s के 6p के, दैट इज 18। ठीक, जो भी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन कॉपर क्लोराइड है, CuCl है और NaCl है, अब NaCl में सोडियम की क्या है नोबल गैस कंफिगरेशन है, इजंट इट, सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्फिगरेशन बोलो जल्दी, 2s2 2p6, दैट इज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इजंट इट। अब ये कॉपर की क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जिसकी होती है ना उसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से किसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, तो कॉपर क्लोराइड का ज्यादा है, समझ आ गई, रीजन बिकॉज इट हैज सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, द रीजन इज दिस बिकॉज इट हैज सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रखना बेटे फजान रूल के चार पॉइंट कौन कौन से है, पहला पॉइंट स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, सेकेंड पॉइंट हाई चार्ज ऑन केटाइन, थर्ड पॉइंट लार्ज साइज ऑफ एनायन, एंड फोर्थ इज सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। डन, चले आगे, चलो थर्ड इज लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपके आयनिक बॉन्ड को किस तरफ लेके जाता है बेटे, कोवलेंसी की तरफ। अब आ जाओ हम थोड़ा पोलैरिटी पे और नजर दे दें, डाइपोल मूवमेंट की तरफ भागे। तो सबसे पहले हम बॉन्ड पैरामीटर्स कर रहे हैं, इसमें बॉन्ड एंगल आ गए, क्या होता है बॉन्ड एंगल, जो दो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करता है उसके बीच वाला एंगल इतनी बारी कर चुके हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल, दिस इज अ बॉन्ड एंगल। अब जैसे कि मिथेन में बॉन्ड एंगल क्या है, मिथेन में 180 है, इट इज द एंगल रिप्रेजेंटिंग दीज टू लाइन, बिटवीन दीज टू लाइन, यही है 198 मिनट, ठीक है। अब ये देखो अगर हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया था 109, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक लोन पेयर बनाओ, चलो बनाओ अमोनिया बनाओ, हरी अप खुद किया करो जल्दी, अमोनिया बनाओ हरी अप, हम अभी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू कैन राइट डाउन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। पहले अमोनिया बनाओ, चलो अपने आप बनाओ, शेप बताओ मुझे जल्दी, हो जाएगा पिरामिडल शेप है बेटे, पहले मैं वो रिकॉल करवा रही हूँ फिर हमने ये टॉपिक लेना है। पिरामिडल शेप होती है ना इसकी, एक लोन पेयर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड एंगल कम हो गया। अगर वाटर आएगा तो दो लोन पेयर आएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और इस पे हमने क्राइटेरिया कौन सा किया था कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है किसके कारण, लोन पेयर आने के कारण। अब बॉन्ड एंगल दिमाग में घुसा, बॉन्ड एंगल क्या होता है, हाँ बोलो जल्दी,
बेटे तुमने बॉन्ड एंगल निकालना नहीं है, हमने बॉन्ड एंगल को क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वो करने हैं। सबसे पहले आप फैक्टर स्टडी करो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप सारे मिलके हाइड्राइड बनाओ ग्रुप 16 के। चलो हाइड्राइड का मतलब समझते हो आप? हाइड्राइड का मतलब समझते हो? ग्रुप 16 में फर्स्ट हाइड्राइड है वाटर, बाकी हाइड्राइड बनाओ। चलो हरी अप। ग्रुप 16 का फर्स्ट हाइड्राइड है वाटर, उसके बाद आ जाएगा H2S गैस, उसके बाद आ जाएगा SC, उसके बाद आ जाएगा TE। अब ये फर्स्ट कर रहे हो बेटे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बॉन्ड एंगल। हाँ जी, अब मुझे आप बताओ, खुद एक बार सोचो, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम? बॉन्ड एंगल क्या है? इन दोनों लाइंस के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, यही है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या इफेक्ट हो सकता है, देन आई विल एक्सप्लेन। लोन पेयर सब में एक जैसे हैं, सब में लोन पेयर एक जैसे हैं, सब में बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं, क्योंकि सब एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। सब में फर्क क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यही फर्क है इन सब में। ऑक्सीजन से लेके टिल्यूरियन तक आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यही फर्क है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फर्क हो सकता है, सोचो, खुद दिमाग उड़ाओगे ना फिर जल्दी कंसेप्ट समझेगा। जोर लगाओ दिमाग पे कि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा। इनको देखो जरा, लोन पे को छोड़ दो, लोन पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू शेयर्ड, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिंक्ड है, सल्फर हाइड्रोजन से लिंक्ड है, सिलीनियम हाइड्रोजन से लिंक्ड है, टेलीरियम हाइड्रोजन से लिंक्ड है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, सबसे लीस्ट टेलीरियम खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इससे क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल पे बेटे? जब ये ऑक्सीजन के पास यहां पे इलेक्ट्रॉन चलेगी, इसका मतलब इधर यहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगी, इसका मतलब इधर हम कहीं थोड़ा सा और इधर रह गए, और इधर तो इधर ही रह गए, बीच में ही रह गए कहीं। जितने पास हुए सेंट्रल एटम के, उतनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ नहीं जाएगी? ये सेंट्रल एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे दोनों क्लाउड्स, तो बॉन्ड एंगल खुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? वाटर का, 104.5। सबसे नीचे आते थे 90 तक पहुंच जाता है। समझ आ रही है बेटे? जब आपका ये क्वेश्चन प्लस टू तक जाता है, दिस इज क्लास 12th क्वेश्चन। सेंट्रल मेटल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस अराउंड द सेंट्रल एटम एंड दे विल रिपेल ईच अदर। When they will repel each other, the bond angle will increase. अब मैंने ये बता दिया, अब आप हाइड्राइड 15 ग्रुप का बताओ मुझे, हरी अप।
15 ग्रुप के हाइड्राइड बनाओ। पहला हाइड्राइड मैं बना के देती हूँ आपको अमोनिया, बाकी मेंबर्स कौन है 15 ग्रुप के, इसके हाइड्राइड बनाओ। नेक्स्ट हरी अब सबके हाइड्राइड बनाओ और मुझे बॉन्ड एंगल बताओ जल्दी। जल्दी हरी अप हरी अप हरी अप। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा? क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल 107 होता है, उधर जाते जाते 92 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पेपर में आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा बॉन्ड एंगल का इफेक्ट जैसे कि हम सेपर थ्योरी में कर चुके हैं, अगर हमारी ज्योमेट्री इरेगुलर थी दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जांपल। अमोनिया का 107 है और जो आपका मीथेन का है वो 109 है, दोनों क्या है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्ड एंगल में फर्क क्यों आया? क्योंकि अमोनिया इरेगुलर ज्योमेट्री का है और मिथेन एक रेगुलर ज्योमेट्री है, तो रेगुलर ज्योमेट्री के ऊपर कोई भी बॉन्ड एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे लोन पेयर आते जाते हैं लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल छोटा, जितने कम लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल बड़ा। समझ आ गई? अब एक और क्राइटेरिया, अभी तो हमने सेंट्रल एटम अलग अलग कर दिए, अगर हम सेंट्रल एटम एक जैसे कर दें और ये साइड वाले एटम अलग अलग कर दें तब क्या होगा? जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं फास्फोरस ले लूं, फास्फोरस के साथ 3 फ्लोरीन लगा दूं, इसी फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन लगा दूं, इसी फास्फोरस के साथ बेटे फिर ब्रोमीन लगा दूं, इसी फास्फोरस के साथ आयोडीन लगाऊं, मींस हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो चेंज किया है, जो साइड एटम है सेंट्रल एटम को नहीं चेंज किया, सेंट्रल एटम को कॉमन रख दिया। अब दिमाग जरा यूज करो और बताओ मुझे क्या हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्यों होगा? क्योंकि बेटे फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंच गए, यहां तो रिपल्शन कम होगी तो ये पास आ गए। ठीक है, यहाँ पे इतने खींच नहीं पाए इलेक्ट्रॉन, यहाँ रह गए तो ये रिपेल करेंगे। कोई भी पेपर में, दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल, पेपर में अकेली ये नहीं होती। आप इतने एमसीक्यूज कर रहे हो अभी तैयारी, कुछ भी मर्जी कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि अगर सेंट्रल मेटल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल बड़ा। ठीक है, अगर साइड वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल छोटा। समझ आ रही? जाग जा।
चाय पिया कर लंच ब्रेक में। ठीक है अब आ जाओ बेटे, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट फैक्टर करा है, वैसे हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड भी पोलर होता है, मैंने पहले भी आपको समझा दिया ये बात। ठीक है तो उसके बाद हमने डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है पोलैरिटी क्यों आती है, क्योंकि टग ऑफ वॉर होती है, एक जीत जाता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, अगर बहुत ज्यादा खींच ले तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सट्रीम केस है जब हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है अदरवाइज जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने हमेशा एग्जांपल ये लेती हूँ आपके लिए, ये क्लोरीन खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है अब यहाँ पे लिख लो कि पोलर कलेक्टर, फिर आपको याद आ जाएगा टॉपिक क्या किया है, इन कोवलेंट बॉन्ड। पहले हमने क्या किया था पोजांस रूल, ठीक है उसके बाद हमने आज क्या किया बॉन्ड एंगल, अब पोलर करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। घर जाके खुद पढ़ना समझो इसको। ठीक है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटे, शेयरिंग से, इजंट इट, शेयरिंग से बनता है कि नहीं बनता, बनता है। अब जो चीज शेयरिंग से बनती है अगर सेम एटम की हो तो इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाएंगे, मगर डिफरेंट एटम या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम लगे हो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है तो बॉन्ड क्या बन जाता है पोलर, क्या बन जाता है पोलर, क्योंकि इसमें दो डाइपोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इसको डिफाइन करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट से जिसे हम म्यू कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई क्या होता है भी इनके ऊपर कितना चार्ज आया है और डी क्या है इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है दैट इज ई इंटू डी, ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना आया है, अगर जितना यूनिट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना यूनिट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, E के जो हम लेते हैं 10 रेस टू द पावर 10 ESU, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, डिस्टेंस हम लेते हैं सेंटीमीटर में, उसकी रेंज इतनी है और ये पूरा कितना होता है म्यू इज इक्वल टू, फिर क्या हो गया 10 रेस टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, और इसे कहते हैं 1/ बेटी रेंज है, यूनिट्स करें हमने यूनिट्स, दिस इज अ यूनिट। ओके नवकीरत वैल्यू तो चेंज होगी बेटे, किसी में डाइपोल मोमेंट जीरो भी होगी, करते हम आगे, समझ आई इतनी। तो 1/ आपका जो यूनिट लिया जाता है ज्यादातर 1/ लिया जाता है, 1/ की रेंज 10 रेस टू द पावर माइनस 18, समझ आ गई, मतलब आपका कुछ भी आंसर दिया हो इसका मतलब आपने इतने से मल्टीप्लाई हो क्या है, फॉर द पॉइंट। नाउ डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे पहले आ जाओ बेटे डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स, That is dipole and आपको molecular structures के बारे में कैसे पता चलता है dipole moment से, सबसे पहले diatomic, जब दो atom से बन के मिला हो तो अगर एक जैसे हमने example ली कि ये खींच रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि एक पोल नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव, इसमें कुछ भी नहीं, अगर पोलर पता करना हो अगर डायटोमिक होंगे या तो वो पोलर होंगे या वो नॉन पोलर होंगे, सिंपल सी बात, या तो वो सेम एटम के बने होंगे या डिफरेंट एटम के बने होंगे,
डाइटोमिक में पोलैरिटी सीधा पता चल जाती है, बात आती है पॉलीएटॉमिक में, सीधा आ जाओ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में बेटे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मूवमेंट जो है दैट इज जीरो, न्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और मैंने आपको बोला किसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो है, इससे आपको क्या पता चला कि आपका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल जो है बेटे लीनियर है, सीधा है। अब सीधा ऐसे है। अब जितने बीच में एक मैं खड़ी हूं, एक एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, जितनी पावर से ये खींच रहा है उतनी पावर से ये खींच रहा है, तभी इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। मतलब अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो आपको स्ट्रक्चर, हमने क्या हेडिंग दी है, डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अगर आपकी डाइपोल मूवमेंट जीरो आ रही है तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या जा रहा है, लीनियर। अब वाटर की क्यों है डाइपोल मूवमेंट, वाटर का स्ट्रक्चर बनाओ आ रही है, जल्दी लीनियर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डाइपोल मूवमेंट है, वाटर की डाइपोल मूवमेंट है 1.84, 1.84, क्योंकि वाटर बेटे एक बेंड ज्योमेट्री रख रहा है, बेंड ज्योमेट्री के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर किसी पॉलीएटॉमिक में किसी की डाइपोल मूवमेंट जीरो आ रही है और मगर ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर लीनियर है या कोई ना कोई रेगुलर ज्योमेट्री है। डाइपोल मूवमेंट तभी आएगी जब आपकी ज्योमेट्री इरेगुलर बनेगी या स्ट्रक्चर बेंड बनेगा, कुछ ऐसा होगा, समझ आ रही है। सीधे सीधे स्ट्रक्चर में कभी डाइपोल मूवमेंट नहीं आती, जैसे कि बनाओ बी एफ थ्री एन एन एच थ्री, किसमें डाइपोल मूवमेंट होगी और किसमें नहीं, दिस इज होमवर्क फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो। बी एफ थ्री एंड एन एच थ्री क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच हैव डाइपोल मूवमेंट एंड वाई।